सो व्हाट्स अप गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड ये है थर्ड डे यहाँ भीमताल में, और अभी हो गया सुबह, कल पार्टी की थी और आज भी हम लेट उठे। जैसे कि ये रूम देखो कितना बेहतरीन हो रखा है, एकदम कलरफुल, और ये अपनी एडिटिंग पे लगा भी से। और कल ये भाई आया था हमारे पास, ये भी हमारा पुराना दोस्त, और कल हमने इसके साथ भी पार्टी की थी। 10 बज गए और अब यहाँ से निकलना है, सारे रेडी हो गए लगभग, और मेरा बच्चा मैंने शावर लेना है फ्रेश होना, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में उठा था। ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं अभी, अभी निकलने के बाद देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, और उसके बाद सीधा देहरादून निकल जाएंगे। सो नहा लेते हैं, कार धुली जाएगी, पानी रेडी है, और कार हो रखी है बहुत ही ज्यादा गंदी, धूल मिट्टी हो रखी है, तो इसको अक्की धोएगा अभी, और हम तब तक नहा लेते हैं। सो भाई फाइनली हो गया हूँ मैं रेडी, और नहा धो के निकल गया हूँ। सो अभी रेडी होने के बाद सीधा ये करते हैं, पैकिंग करते हैं, और फिर सामान पैक वैक करके सारा समेट के यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट। ओके, नो टाइम वेस्ट। अभी सुबह हो गया, सो अभी वहाँ से निकलना है, और वहाँ से निकलने से पहले वहाँ थोड़ा कैश देना पड़ेगा, और कैश किसी के पास नहीं है, सब आउट ऑफ कैश हो चुके हैं परसों से। तो अभी मैं और नॉडी जा रहे हैं कैश लेने, सो अभी चलते हैं। सो भाई 3 दिन से थार में घूमने के बाद, अब इस गाड़ी में बैठने के बाद सेल्टोस में, ऐसा लग रहा है कि कितना खुला खुला स्पेस है यार, बहुत ही भयंकर। बस में एक चीज़ बहुत ही बढ़िया यार, यहाँ मतलब पूरा कैमरा भी लगा हुआ है, चारों ओर देख सकते हो तुम, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर से भी। फाइनली 12 बज गए और अब हमें निकलना है, और गाड़ी हो गई है अब चकाचक रेडी टू गो। सामान पैक करते हैं, अंदर डालते हैं और चलते हैं। सामान है काफी ज्यादा, अभी फिटिंग कर रहे हैं अंदर। कर दिया पूरे खाली, यहाँ से भी सब समेट दिया, थोड़ा कूड़ा वूडा बचा है। ये है नवीन चौहान, जस्ट अ लवली प्लेस, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। अभी इस रोड में प्रो ऊपर नीचे चढ़ा रहे, चलते हैं यहाँ से, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन फाइनल वे वो है कैंची धाम, बहुत ही प्यारा मंदिर है कह रहे हैं, फेमस है, सो वहाँ चल के देखते हैं। आंटी जी सो बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आंटी जी, श्री राम। फाइनली पहुंच गए कैंची धाम, और अब इसके अंदर जाएंगे। अब मुझे बताने की कैमरा अलाउड है अंदर की नहीं है, पर देख लेते हैं चल के। ये है मेन गेट और वो है मंदिर, वहाँ चलना है। बहुत जल्दी पहुंच गए हैं, ये देखो यार कितना प्यारा व्यू, और इस साइड तो मतलब ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। वॉल्यूम का थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हवा चली है बहुत। मेन गेट है और वहाँ पे लिखा है परिसर में मोबाइल का प्रयोग ना करें। सो भाई देखो ऐसा है, अंदर की वीडियो हम नहीं दिखा सकते, सो यहीं से हम दर्शन करके आ जाएंगे, जो नियरेस्ट व्यू है वो ये दे सकते हैं हम तुमको। तो भाई दर्शन कर लिए और हम आ गए हैं बाहर। सो इनकी कहानी कुछ ऐसे है कि क्या बोलते हैं, इन्होंने 1973 में यहाँ पे समाधि ले ली थी, और इनको इसलिए लोग बहुत जानते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और लोग दर्शन करने आते हैं। सो हम भी आ गए क्योंकि ऐसी जगहों पे बार बार आना जाना नहीं होता है, हम देहरादून से हैं तो हमारे लिए आना मतलब बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता, सो इस वजह से हमने भी दर्शन कर लिया। सो हम चलते हैं, और इनके साथ एक और माता जी थी, उन्होंने भी यहाँ पे समाधि लिया है, जो कि लोगों में उनकी भी बहुत मान्यता है। सो गाइस अब हम निकलते हैं यहाँ से। ये है यहाँ का राई का रायता, जो कि यहाँ बहुत फेमस है, और ये है मूंग दाल के पकोड़े, जो यहाँ कुमाऊं साइड बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसको ट्राई करते हैं। गले को जंग में बोले चिनमिनाट से चिनमिनाट, यहाँ हर जगह ऐसी नहीं, ये नाथ में आता है, नाथ माता हर जगह ऐसी होता है, कुमाऊं स्पाइसी फूड को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ से नॉडी जा रहा है हल्द्वानी, और हम जा रहे हैं नैनीताल रूट से। सो सिया भाई मिलते हैं फिर, सिया जाते हुए फिर से जा रहे हैं हम नैनीताल से, और ये नैनी झील का व्यू प्यारा ही प्यारा जी, और ये है मेरा व्यू, बहुत ही बेकार, सबसे बेकार व्यू। पहुंच गए नजीबाबाद, और बहुत टाइम हो गया हमने, बहुत मतलब रास्ते में बहुत रुके, बहुत एंजॉय किया, और चलते चलते एंजॉय करते करते यहाँ पहुंच गए। और ये देखो ये हालत है लड़कों की, ये सारे सो गए हैं,
और खाली बचे अक्की और मैं, हम दोनों बचे खाली और ड्राइविंग कर रहे अक्की और कंपनी के लिए मैं हूँ यहाँ पे खाली। तो यहाँ से चलते, टाइम हो गया बहुत लेट, भाई लोग सो रहे हैं। खाना खाना है किसी को? Head north on Eastern Ganga Canal. वही ढाबा है जहाँ पे हमने जाते हुए खाना खाया था, क्योंकि यहाँ के पराठे ना हमें बहुत पसंद आए थे। ढाबे का नाम है हिमालयन रेस्टोरेंट और यहाँ हम खाएंगे अब फिर से पराठे। अभी खाया आलू प्याज पराठा और मैंने सबसे पहले फिनिश कर दिया, क्योंकि ये जो टेस्ट है ना ये मिलने एकदम अल्टीमेट था, क्योंकि मेरे को ये खाने को बार बार नहीं मिलता है, जापान में तो बिल्कुल नहीं मिलता था। और देखो सब खा रहे हैं और मैंने सबसे पहले फिनिश कर दिया और मैंने एक और मंगा दिया है। तो रात के बज गए 1:30 और यहाँ से हमने खा लिया सारा खाना पीना और भर गया पेट, और यहाँ से निकलते हैं हम गाड़ी पकड़ के, अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ऋषिकेश और वहाँ जाके देखेंगे, होटल में रहेंगे और वहाँ जाके आराम करेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम यहाँ से दूर निकल जाएंगे। तो चलिए, सुबह के बज रहे हैं 6 और जो ऋषिकेश वाला प्लान था वो हमारा हो गया था कैंसिल, क्योंकि हमने सोचा गाड़ी में थोड़ी झपकी मार लेते हैं और यहीं पे हम सो गए। तो अभी देहरादून है 18 किलोमीटर, तो थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे देहरादून। मैं फाइनली पहुंचने वाला हूं घर और ये ट्रिप का आखिरी दिन था और यहां पे हमारी ट्रिप समाप्त होती है, और जो कि बहुत अमेजिंग थी ट्रिप, मुझे तो बहुत मजा आया, एक फैंटास्टिक ट्रिप थी। बहुत टाइम हम छोड़ रहे हैं, सी ऑफ कर रहे हैं, बाय बाय। इसका 7th टेक चल रहा है, ब्लॉक कैसे है, गाड़ी में पीछे थोड़ा थोड़ा हिल लगी।